भक्ति भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। तंबाकू का प्रादुर्भाव कहां से हुआ, ये जड़ी बूटी कहां से आई? इंद्र ने यज्ञ किया, सुरभि महायज्ञ, और सुरभि महायज्ञ के द्वारा यज्ञ से उसने सुरभि गौ माता को प्रसन्न करके प्रकट किया। इंद्र यज्ञ आदि करता रहता है, तो सुरभि प्रकट हुई, सुरभि से अपने बल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि देवताओं से युद्ध, दैत्यों से युद्ध चलता रहता है ना, तो सुरभि ने आज्ञा की, बोले इंद्र वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो इंद्र ने वरदान मांगा, जब कभी भी मुझे इच्छा हो, जब कभी भी मैं चाहूं, आप अपने समस्त परिकर के साथ मेरी रक्षार्थ खड़ी हो जाना। गौ ने कृपा कर दी, वो ठीक है, जब भी तुम बुलाओगे मैं आ जाऊंगी। अब आप लोगों ने शायद कथा सुनी हो, भौमासुर नाम का दैत्य, श्रीमद् भागवत में ही कथा है, उसने देवताओं की माता अदिति के छत्र और कुंडल चुरा लिए थे, जो कि बड़े 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 विलक्षण थे छत्र। छत्र किसका था पता है? पानी का छत्र था, पानी का छत्र, ऐसा विलक्षण छत्र, उसको जो देख ले वो मोहित हो जाए, देवताओं की माता है अदिति, उसको चोरी कर लिया भौमासुर नाम के दैत्य ने। सब देवताओं ने खूब प्रयास कर लिया लेकिन वो मरा नहीं। तब सबने द्वारिकाधीश से प्रार्थना की, तब द्वारिकाधीश अपनी द्वितीय पत्नी सत्यभामा के साथ गए और भौमासुर का वध किया। और जैसे ही छत्र और कुंडल लाने लगे तो वो छत्र और कुंडल श्री सत्यभामा जी को पसंद आ गए। सत्यभामा जी बोले, ये कुंडल और छत्र हमको दे दो, देवताओं के लिए दूसरे बनवा दो। भगवान बोले, हाँ हम इतनी रक्षा करते हैं, देवता इतना तो कर ही देंगे। भगवान ने बोल दिया, अच्छा हमने वो छत्र और कुंडल तो बचा लिए, लेकिन अब हमारी गृहिणी को वो प्रिय लगे हैं, पसंद आए हैं, तो वो चाहती हैं रखना। तो इस बात पर देवता रुष्ट हो गए और लड़ने पर आतुर हो गए, बोले कि हम लड़ लेंगे लेकिन अपनी माता के छत्र और कुंडल आपको नहीं देंगे। भगवान बोले, जब संकट आता है तब हाय हाय चिल्लाते हो, और जब हमने एक बार कुछ मांग लिया, ठीक है नहीं चाहिए, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा व्यवहार किया कैसे? इंद्र आदि देवता सब तैयार हो गए, बोले ये युद्ध कर लो आप हमसे। भगवान बोले, भौमासुर मरा नहीं, तुमसे मुझसे युद्ध करोगे? आप अपनी सेना ले आओ। भगवान बोले, मेरी सेना केवल ये मेरे चार अयुध और मेरा गरुण, हम पांच लोग ही आ जाएंगे बस। युद्ध पूरा तैयार हो गया, एक तरफ 33 करोड़ देवता और एक तरफ गरुण पर विराजमान शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण। देवता सब जानते हैं ये गरुण एक बार पंख फैला देगा ना, उसी में हमारा राम नाम सत्य हो जाना है। लेकिन इंद्र ने कैसी बुद्धि का प्रयोग किया, तुरंत बोला कि इनको कौन प्रिय है? गौ ब्राह्मण हिताय। तभी गौ का स्मरण किया, हे सुरभि माता हमारी रक्षा करो। 33 करोड़ देवताओं की रक्षार्थ 33 करोड़ सुरभि ने रूप धारण की और प्रकट हो गई। भगवान बोले, गैया आप कैसे आई? बोले, इनको हमने वचन दिया था एक बार इनकी रक्षा करेंगे, इन्होंने आज ही हमको बुलाया, क्योंकि ये जानते हैं कि आप हम पर प्रहार नहीं करोगे, प्रभु आप वापस लौट जाओ, देवताओं को कुछ मत कहो। भगवान ने गरुण जी से कहा, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम अपनी पराजय स्वीकार करते हैं लेकिन गाय से युद्ध ये नहीं करेंगे। तो भगवान की आज्ञा गरुण ने तो मान ली, लेकिन गरुण बहुत क्रोधित हो गया गैया पर, बोले कि भगवान तुमसे इतना प्रेम करते हैं और आज भगवान के लिए तुम भगवान के विमुख खड़ी हो गई हो। तो कोई आश्रय आशा तो ऐसी नहीं थी, उसका मन ऐसा नहीं था, लेकिन गरुण जी जैसे ही भगवान को लेकर के वहां से वापस जाने के लिए उड़े तो इतनी तीव्र गति से अपने पंखों को झटकाया कि उसके वेग से गाय गिर गई और उसके थोड़ी चोट आई, और उस गाय के सुरभि के चोट से जो रक्त निकला पृथ्वी पर गिरा वही तंबाकू बना।